लैंड जिहाद, लव जिहाद। अभी लैंड जिहाद के नाम पर जहां पर सरकारी जमीन दिखी वहां पर कब्जा। सागर जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम किसी भी हालत में श्रीरामपुर चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करके रहेंगे। क्या सागर जी का आप साथ दोगे? सब लोग कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दोगे? श्रीरामपुर चौक पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करोगे? और उस प्रतिमा का जो भी नेता विरोध करेगा उसको नस्तो नाबूद कर दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। पहले और अब के महाराष्ट्र में बहुत परिवर्तन आ चुका है। महाराष्ट्र का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है और आगे भी होगा। एक तरफ हमारे शिवाजी महाराज ने महिलाओं का सम्मान किया तो दूसरी तरफ आपके इस श्रीरामपुर में लव जिहाद के नाम पर बहन बेटियों को फंसाकर बेचा जा रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में श्वेता वालकर हो, रूपाली हो, उर्वशी हो, इन सभी नारियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया। श्रद्धा को तो दिल्ली में ले जाकर 35 टुकड़े इन हरामियों ने किए, 35 टुकड़े। आज हमारी महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपको जीजा माता का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, झांसी की रानी का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास पढ़ना है और अपने बच्चों को पहले बताना है कि किससे हमें दोस्ती करना है और किससे हमें दूरी बरतना है। हम लोग सोचते नहीं, हम बताते नहीं, हम लोग शर्माते हैं कि यार हमारी लड़की को, हमारी बेटी को लव के बारे में कैसा बोले, जिहाद के बारे में कैसा बोले। सोचते हैं ना कि एक भाई हो या बाप हो या छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सोचते हैं लव जिहाद के बारे में हम कैसा हमारी बहन बेटी को समझाए, कैसा बोले हम लोग। ठीक है यार हमारे घर में तो कुछ नहीं होगा, अरे यार छोड़ो यार, हम तो बजरंगदल के हैं, विश्व हिंदू परिषद के संघ के हैं, हम तो श्रीराम सेना के, हमारे पास कुछ नहीं होगा। बोलने वालों के ही घर में ये लोग डाका डाले, सो कई ऐसे केसेस हमने देखे थे। हम लोग बाहर तो भगवा झंडा लेकर घूमते हैं लेकिन घर में उस भगवे झंडे का महत्व और लव जिहाद के बारे में हम प्रचार नहीं करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आज से एक कसम खाना है आप सबको कि पूरे के पूरे दिन में सिर्फ एक 10 मिनट हम हमारे परिवार में जो हमारी बहन बेटी होगी उसको, हम जो देश में जो वातावरण चल रहा है उसके लिए हम हमारी बहन बेटी को बताएंगे। लव जिहाद क्या षड्यंत्र है उसके बारे में हम हमारी बहन बेटी को बताएंगे। अगर जिस दिन से आप ये प्रारंभ कर दें और आप करने के बाद में आपके पड़ोस में, अड़ोस में, कॉलोनी में जितने भी रिश्तेदार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करो कि एक आधा घंटा या 10 मिनट हमारे देश में जो वातावरण चल रहा है उसके बारे में चर्चा करो। और जहां कहीं भी लव जिहाद का कोई केस हो जाता है तो तुरंत उसको वायरल करो और बताओ कि देखो बहन, देखो बेटी, आज हमारी एक बहन बेटी को उठाकर लेकर चले गया गया। तेलंगाना में आज ही एक मर्डर हुआ, कल शाम में एक मर्डर हुआ। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, प्यार हो गया, उस लड़के के घर पर जाकर उसका मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। तो सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। आप सबको पता होगा कि लव जिहाद के लिए एक सेपरेटली एक सेना का निर्माण किया गया इन गद्दारों द्वारा, और हर बहन बेटी का,
समाज की बहन बेटी का एक एक रेट फिक्स किया जाए। अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 5 लाख, राजपूत की लड़की हो तो 4 लाख, ओबीसी एससी एसटी की लड़की है तो 2 लाख रुपए, जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की को 6 लाख रुपए, सिख लड़की की बहन बेटी अगर है तो 7 लाख रुपए, हमारे मराठी समाज की लड़की है तो उसको 6 लाख रुपए दिया जा रहा है। इन लांडों को कौन दे रहे हैं? कहां से आ रहा है इनके पास पैसा जो कन्वर्शन के लिए, लव जिहाद के लिए इनको पैसा दिया जा रहा है? कौन दे रहा है? आज पूरे भारत में एक ऐसे ऐसे संगठन पूरे फैल चुके हैं जो फाइनेंशियली फिजिकली इन हरामियों को पैसा दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए। उनको फंसाते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाते हैं, अगर वो नहीं मानती है तो उसको धंधा करने के लिए बेच देते हैं। कईयों ऐसे केसेस हमने देखे, पाकिस्तान में बेचा गया, सऊदी में बेचा गया, जहां जहां पर इस्लामिक राष्ट्र है वहां वहां पर हमारी हिंदू बहन बेटियों को डाल डाल कर बेचा गया, ऐसे कईयों केसेस हमने देखे। अरे आपके श्रीरामपुर में एक गैंग बॉप एक्टिव है जो लव जिहाद के नाम पर ही वो कार्य करती है। बहुत सारी हमारी बहन बेटियों को इन्होंने फंसाया है, इन्होंने बेचा है। अरे कुछ ही दिन पहले 16 साल की एक लड़की को एक लव जिहादी उठा ले जा रहा था, 16 साल की लड़की को, तो यही हमारे सागर जी के ग्रुप ने उसको पकड़ा है ट्रेन में जाकर, उस लड़की को बचाया है। ऐसे कईयों लड़कियों को इनका ग्रुप द्वारा बचाने का कार्य चल रहा है। और ऐसे कईयों संगठन है जो लव जिहाद के नाम पर कार्य करते हैं, उनको एक समय पहले पुलिस प्रशासन से भी सहयोग था, कुछ पुलिस के बड़े ऑफिसर भी उनको सहयोग करते थे। 3-3 साल हमारी बहन गायब है, हमारी बेटी गायब है, कंप्लेन ले लो, कोई कंप्लेन लेने वाला नहीं था। लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशन, कईयों हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया, तब जाकर इंक्वायरी बैठी, लड़की मिली और वो एक ऑफिसर पता नहीं अभी गायब है, किस क्षेत्र में है पता नहीं। उसके बाद में एक ऑफिसर आया, उसने भी ऐसे ही किया, उसका भी आज तक पता नहीं कि वो किधर है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि नवरात्रि का अवसर जो होता है हमारे लिए बहुत ही पवित्र अवसर होता है। हम लोग गरबा खेलते हैं, हमारी बहन बेटी गरबा खेलती है, पूरे भारत में जहां जहां पर गरबा का कार्यक्रम होता है यही लव जिहादियों की गैंग एक्टिव होकर तिलक लगाकर हमारे गरबा में इंटर होते हैं। हमारी बहन बेटियों को कॉन्टेक्ट नंबर देकर उनको फंसाते हैं। एवरी ईयर हर साल पूरे भारत में 4 से 5 हजार लव हत्या के केसेस ये गरबा के ही माध्यम से सामने आ रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, क्यों नहीं आप तूफान आने से पहले ही उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, क्यों नहीं? अरे आज हमारी बहन बेटियों को लोग टारगेट कर रहे, कल आपकी भी बहन बेटी पे लोग टारगेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। और हमारे पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इन लव जिहादियों को जो हमारा दांडिया उत्सव है इसमें अगर कोई लव जिहादी इंटर होगा तो इनको आप रोके, नहीं तो हमें कैसे रोकना है पता है। फिर आने वाले समय में अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमें नहीं कहना कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, हमें नहीं कहना। साथ ही साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद, अभी लैंड जिहाद के नाम पर जहां पर सरकारी जमीन दिखी वहां पर कब्जा। अभी मैं एयरपोर्ट से नजदीक आ रहा था तो वहां के संघ के अधिकारी मिले, उन्होंने कहा कि ये जो जगह है ना 22 एकड़, हमने इस मंदिर के पूरे लैंड को हमने कब्जा किया है,
इनके हाथों से हमने निकाला है। और यहाँ की जो भी प्रेजेंट में सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने हमें सहयोग किया है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ शिंदे जी का कि इसी प्रकार से आपका सहयोग अगर हिंदुत्व के साथ रहेगा तो आपके ऊपर पूरे हिंदू समाज का आशीर्वाद भी आपको रहेगा, आपके ऊपर भी रहेगा। लेकिन शिंदे जी के एक और एक तारीफ करूंगा। मैं कभी पॉलिटिक्स बात नहीं करता हूं, राजनीति को मैं दूर दूर रखता हूं। हो सके तो आने वाले समय में मैं भी राजनीति से दूर होने वाला हूं, क्योंकि धर्म कार्य में जो भगवान का आशीर्वाद मिलता है ना, वो राजनीति में नहीं मिलता है, क्योंकि राजनीति में सिकुलर होना पड़ता है और मुझे वो स्वीकार नहीं है।